असल दे रस्ते तो हट जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कुछ पता चलिया? असा सब जगह लभण की कोशिश की थी, पर उन्हें तो कुछ भी पता नहीं लगा। अमन अमन या मेरे मौला, ये तो वही शख्स ने जिन्होंने कल रात भी असा ते हमला किया, पर ये लोग असा ने पीछे पाए क्यों ने? असा इन्हों का बिगाड़िया की है? कुछ समझ नहीं आ रहा। अमन अमन होश आ, अमन 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 असल में जल्द तो जल्द अमन घर पहुंचाना पवेगा, इन्हों की हालत बिगड़ती जा रही है। तू सब फिक्र ना करो अमन, असा तो सू घर पहुंचा देंगे। या खुदा मेहर कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੀਕ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਓ। जी डॉक्टर साहब। तुहानू आराम करना चाहिए, जख्म ठीक होने वास्ते आराम की बहुत जरूरत है। डॉक्टर साहब तो सहायता हुई, तुम शोएब जी का जख्म वेख के पट्टी कर दो, दवाई लगा दो। हाँ जी डॉक्टर साहब, शोएब ने भी आराम नहीं किया, बस सारा दिन ही भज दौड़ लगा रहा अमन से जरीना लभन लई। तुहाडे जख्म ठीक होने वास्ते तुहानू आराम की जरूरत है, आओ मैं तुहाडे पट्टी कर दिना। आओ डॉक्टर साहब। असल तो कुछ समझ ही नहीं आ रहे, सतंगे दो पिंडा दे विचाले होए, वो भी मुंडे कुड़ी के कारण, क्योंकि वो घरों भज गए। पर उन्होंने अमन ते क्यों हमला किया? असा ना उन्होंने की दुश्मनी सी? कल कुछ बंदे आए ते दंगिया दे विच अमन ते हमला किया, असा ते हमला किया, असा किसी तरीके बच बचा के पुराने जे घर च जाके छुप गए। फिर अज सवेरे वही बंदे दोबारा तो आए तो उन्होंने अमन की यह हालत कर दी।
समझ नहीं आ रहा कि अमन ने उन्हें की बिगाड़े। वो अमन को क्यों मारना चाहते हैं? पर जाई ए ना सोच ली मैं हमेशा ले जेल जा रहा। सोचो नु मार के मैं अपनी धी नु विधवा कर देता ते मैं तेरे मुंडे नु मारन लगा एक बार भी नहीं सोचांगा। जिदा भी हो सके अमन ते लवली दा ब्याह करन बारे सोचो। जगतार सच्ची जेल च है भी कि नहीं थे राजू? दयाल सिंह दे मुंडे दी हालत तां वेखण वाली थी। बहुत बुरी हालत कीती उहदी ते नजारा भी वेखण वाला सी। ओ देसराज पौड़े लेके आओ। तुसी गरमा गरम पकौड़े खाओ। आकर तो हूं भन्नी जाऊगी अमन की। बेगाने मुल्क की कुड़ी लिया के ब्याह करा लिता ते उस कुड़ी ने सानू जेल च बंद करवाता। की सोचती है साड़ी सारी जिंदगी जेल के अंदर कटेगी? पता तो उसनु हूं लगूगा बट्टे चौधरी नु। असी तो अंदर बैठे बैठे ही सारे काम कर देने। लगता तुसी साडियां सारियां गल्लां सुन लिया चाची। कुछ करन दी। पर जाई गल सुन। और सुनता लै भाभी। इस घबराने वाली कोई गल नहीं। पता तेन की लग्या असी हमेशा ली जेल दिन च बंद हो गए हैं ते तुसी कुछ भी कर सकते हो ना? फजल ना, इदा का कुछ भी होने वाला नहीं है। थोड़े को टाइम बहुत घट है। असी 7 दिन के अंदर जेल चो बाहर आ जाएंगे। भलाई ऐसे भी जी है जिहड़ा थानू काम दिता गया है उसनू जल्दी तो जल्दी पूरा करो। मैं तुहानू पहले ही बहुत मौके दे चुकिया हूँ होर नहीं दे सकता। काम छेती तो छेती पूरा होना चाहिए है। तेनू पता है ना कि सब तेरे करके हो रहे? पता है ना तेनू क्यों है? लवली तू सच क्यों कह रहे? तेरे हुंदिया होया भी अमन नू इकल्लापन महसूस हुंदा। तू नहीं सी तो तेनू पागना इतना लभन चला गया। देखी है ना तू ओदी हालत।
असी बचपन तो एक दूजे नू जानते। अमन नू अपनापन चाहिदा, होर कुछ नहीं। मैनू तां तेरी समझ नहीं आ रही कि तू उहनू समझ क्यों नहीं रही। उह तैनू प्यार करदा, तेरे नाल व्याह करवाया उहने, ते तू, तैनू उहदा पोरा वी ख्याल नहीं। नहीं लवली, तू सा गलत समझ रहे हो। तू सानू तां पता है सा असा तां आप अमन नाल दंगियां च फसे होए सा। तू उस तों पहलां की सी? तू किसी नू भी कुछ भी दस के नहीं गई। तैनू इन्ना भी जरूरी नहीं लग्या कि घट्टो घट अमन नू तां दस देवां। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਵਲੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਲਵਲੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਮਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲਵਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਲਵਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਜ਼ਰੀਨਾ ਅਮਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਨ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼ੋਏਬ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਸ਼ੋਏਬ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੁਛ ਖਾਧਾ? ਅਸਾਂ ਹੋਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੋਏਬ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਏਬ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਚਾਹ ਪੀ ਤੇ ਡੋਲ ਲਈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੋ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਏ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਸ਼ੋਏਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਰੋੜ ਲਿੱਤੀ। ਤੁਸਾਂ ਬਸ ਚਲੋ, ਅਸਾਂ ਹੁਣੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਜੀ, ਜੀ।
किया मेरे मौला, एक केड़ा इम्तिहान ले रहे तो सासां दा, एक केड़ी मुसीबत दे विच फसा दित्ता है तो सन, हुण असां की करिए। एक पासे असां दा प्यार है, असां दे शौहर ने जिस नाल असां दा निकाह होए, ते दूजे पासे ओ ने जिस कारण असां दा निकाह मुमकिन हो पाया, भला असां उन्हां नूं किवें कल्ला छड्ड सकदे हां मुसीबत दे वेले। मैं तेरे लिए रोटी लेके आई, ते तू इतना दुखी ना हो। अमन, लवली, अमन, तू इतना दुखी ना हो, सब ठीक है। तू सुन रही है ना, तेनू इस वेले अमन दे नाल होना चाहिए। तू दी हालत देख रही है, घर विच इन्ने जी ने, शोएब नू कोई भी संभाल सकता है, पर तू ओदे पिछे पई है ना। मैनू तां समझ नहीं आ रहा कि तू इदा कर क्यों रही है। अमन तेरे करके इन्ना परेशान हो रहा, तेनू कुछ भी दिखाई नहीं ना दे रहा। अमन तेरे करके अपने आप नू बर्बाद करन दे तुरिया होया, ते तू, तेनू ओदी थोड़ा भी चिंता नहीं है। लवली, तू रहन दे, जरीना नू कुछ ना कहा। अमन, तू कुछ ना बोल। लवली, तू छड़ परा, किसे नू सही गलत सोचन ली या किसे दा ध्यान रखन ली मजबूर नहीं किता जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे अमन, इन ते कोई दिसदा ही नहीं, गल्लां दो ही ने, या तो इन सही गलत का फर्क नजर नहीं आता, या फिर इन अमर की परवाह ही नहीं है। नहीं अमन, पेपे लवली, असल की गलत यकीन करो, अमन तुसा दोवें जख्मी हो, तुसा दोवां दे ही सट लगी हुई है। अस अंदर रोटी लेके आए सा, सानू लग्या कि तुसा सुते हो, इसलिए असा सोचा कि असा बाद च तुसा नू उठा देवांगे, तो असा शोएब जी नू जाके रोटी दे दित्ती। बस जदों असा गए उन्हां दे हत्थ दे उत्ते चार डिग गई, तां असा साफ कीती, होर कुछ नहीं। छड्डो बेबे, रहन दे, ना बोलो कुछ, जरीना ना ही कुछ समझ रही है ते ना ही कदे कुछ समझेगी। चल लिया, मैं तेरी पट्टियां करता। लवली, करा मिलना।
बेबी असा दोनों नूं अलग करन दी कोशिश कर रहे थी। असा किवें अमन नूं यकीन दिलाईए कि अमन तो बेबे खिलाफ कुछ सुनने तैयार ही नहीं है।